उड़ीसा रेल हादसे के बाद लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हादसे को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोला गया है। विपक्ष हमेशा की तरह सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार अपनी गलती माने और रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। भारत में पहले भी रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आजाद भारत में पहली बार 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु के अरियालूर ट्रेन दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस हादसे में 142 यात्रियों की जान गई थी। शास्त्री के इस फैसले की जमकर लोगों ने तारीफ की थी। उनकी लोकप्रियता भी इस कदर बढ़ गई थी कि वो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी शास्त्री के फैसले की तारीफ की थी। 1956 के बाद दूसरी बार रेल मंत्री ने इस्तीफा 1999 में दिया था। असम में गेसल ट्रेन दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस हादसे में 290 लोगों की जान गई थी। साल 2000 में एक बार फिर से एक साल में दो बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता का इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। इसके 17 साल बाद 2017 में 4 दिनों में देश में दो बड़े रेल हादसे हुए थे, जिसके बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते थे कि रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन सुरेश प्रभु ने नैतिकता के आधार पर हादसे के कुछ हफ्तों बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुरेश प्रभु के कार्यकाल में कानपुर के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 150 लोगों की मौत हुई थी।